हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ विंटर गार्डन के लिए, तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारी गुलदाउदियाँ फाइनल पॉट में डाल दी हैं। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस बार और मैंने बहुत ज़्यादा बुशी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि दिसंबर के लास्ट तक से मैं इनसे फ्लावरिंग लूँगी। और यहाँ पर ये ड्रॉप वेराइटी वाले जो हैं, इनमें अब फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखिए, सारे ही प्लांट मेरे काफ़ी छोटे हैं, तो अभी मैं इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और बाद में मैं इनसे फ्लावरिंग के लिए इन्हें रेडी होने दूंगी, इन पे कलियाँ बनने दूंगी। यहाँ पे देखिए, मैरी गोल्ड काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक प्लांट ख़राब हो गया है। और मैरी गोल्ड पे मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि प्लांट को बार बार रिपोर्ट ना करें, ये मेरा प्लांट रिपोर्ट करने की वजह से ही ख़राब हुआ है। यहाँ पे हमारे जरबेरा भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग पे आ चुके हैं सारे के सारे। ये काफ़ी प्यारा कलर है, रेड, और एग्जैक्ट रेड नहीं है वो, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें अभी कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से वाइट कलर का फ्लावर आएगा। और यहाँ पे गलेडिया है, गलेडिया के प्लांट अब मैं थोड़ा साइड में कर दूँगी, क्योंकि प्लांट इनके बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनकी फ्लावरिंग जो है अभी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ से मैंने सीड इनसे लेने के लिए इन पर छोड़ रखा है इन प्लांट्स को, ताकि मैं यहाँ से सीड और भी कलेक्ट कर सकूँ। यहाँ एक मिर्च का पौधा है, और यहाँ पे सारे के सारे कैप्सिकम के प्लांट हैं, जिनको भी मैंने ऊपर से इनके फ्लावर सारे के सारे कट कर दिए हैं और सीड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब बाकी के प्लांट को भी मैं धीरे धीरे हटा दूँगी। यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि डहेलिया में काफ़ी जो हमने कटिंग लगाई थी वो सेट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये फर्स्ट पेटूनिया खिला हुआ है। ये दो प्लांट मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिए थे, उन्हें काफ़ी छोटी सी सैपलिंग थी ये, और इनमें अब फर्स्ट फ्लावर खिला है। और यहाँ पे कुछ सीड भी मैंने लगाए हुए हैं, ये पेटूनिया के मैंने लास्ट ईयर जो सीड बचा के रखे थे, कलेक्ट किए थे, उन्हीं को लगाया है। और ये जो बाकी के सीड्स दिख रहे हैं, ये सीडलिंग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने जो सीड मंगाए हुए हैं, मैंने शेयर किया था शॉपिंग वीडियो में, मैंने सीड्स कोविन भाई से मंगाए थे। और सारे के सारे मेरे जितने भी मैंने सीड्स लगाए हैं, सब में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। और ये नेस्ट्रेशियम के प्लांट हैं, और इन पे मैं अलग से एक पूरा वीडियो डालूंगी सीड से लेके फ्लावरिंग तक का। और अभी मैं इन्हें रिपोर्ट कर रही थी, ये देखिए, तो ये वीडियो मैं अलग से डालूंगी। और यहाँ कैलेंडुला, ये मैंने अपने ही घर के सीड जो लास्ट ईयर मैंने सेव किए थे वो डाले हुए हैं। यहाँ पर केल के प्लांट है, केल भी मैंने लास्ट ईयर जो प्लांट बचा के रखे थे उन्हीं में से इन प्लांट्स को अलग किया हुआ है। तो केल का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है कि किस तरह से केल को साल भर के लिए बचा के रखा जाए। यहाँ पे मैंने डायंथस की कटिंग लगाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, कलांचू भी, और ये डेजी है, डेजी के फ्लावर में मैंने कट कर दिए, स्पेंड हो गए थे। और यहाँ पे करांचू पे बडिंग स्टार्ट हो गई है, सारे ही प्लांट्स पे एक साथ ब्लूमिंग होगी सब में, क्योंकि एक साथ कलियाँ बन चुकी हैं और काफ़ी अच्छी इनमें ब्लूमिंग होती है। ये देखिए, केल का एक और प्लांट, और ये मेरे पास दो कलर के थे, दोनों ही मेरे पास सेब थे इस बार, और इन पे इस तरह से बेबी प्लांट निकले थे उस वाले प्लांट पे जो पर्पल कलर का है, तो वो मैंने अलग किया। और इनमें अभी ज़्यादा नहीं बेबी प्लांट निकले, एक दो ही निकले, अभी और भी निकलेंगे, तो इसके बाद फिर मैं इन्हें भी अलग कर लूँगी। यहाँ पे विंडो गार्डन के जो मेरे प्लांट्स थे वो मैं ऊपर लेके आई हूँ टेरिस पे, क्योंकि वहाँ पर अब धूप नहीं आती है, तो इन्हें मैं यहाँ रखूँगी। और ये देखिए, कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि अब विंटर में काफ़ी वेराइटी होती है। ये देखिए, मंकी आते हैं, तो उसके लिए मैंने ऊपर से बबूल के कांटे रखे हुए हैं, क्योंकि वो जाली में से भी, जो नेट लगा है वहाँ से भी घुस के और प्लांट्स को ख़राब करते हैं, मतलब हाथ डाल के प्लांट को ख़राब करते हैं। यहाँ पे कुंदा का फ्लावर खिला था कल फर्स्ट टाइम, आज वो गिर गया है। और ये विंटर जैस्मिन कहते हैं इस प्लांट को। यहाँ पे कुछ मैंने विंटर के जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके सीड्स डाले हैं। यहाँ पे मूली है, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो मैं नहीं ग्रो करती, क्योंकि आप जानते हैं मंकी मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने कुछ कुछ फिर भी डाले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने लाल भाजी के सीड डाले हैं। आप लोगों में से कौन जानता है लाल भाजी को, तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पर खाई जाती है। ये हॉली हॉक्स के सीडलिंग है, और ये पालक है, पालक मैं काफ़ी बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये केल का मेरा वो पर्पल वाले का नीचे का पार्ट है, और ऊपर का मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पे जीनिया है, यहाँ पे बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का एक छोटा सा कटिंग मैंने हैंगिंग में भी लगाया हुआ है, देखिए।
मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं इस तरह से हैंगिंग में लगाऊं बोगनवेलिया को। ये देखिए मंकी ने गिरा दिया था तो टूट गया। तो कुछ इस तरह से थी विंटर गार्डन की तैयारियां फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में चल रही हैं अभी जोरों शोरों से। काफ़ी सारी वेराइटीज़ मैंने अपने गार्डन में ऐड की हुई हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लांट मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।